guys, so today we are at Anandmayi Ma's ashram. So I got introduced to the life of Anandmayi Ma through the book Autobiography of a Yogi, which is number one book on spirituality, as I always recommend. So we let's take Yamu there, see how she feels. Shall we? फिर हम वापस लाते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी जमीन नहीं है। तो ये जो रूम है, यहाँ अंदर आनंदमयी माँ की जो मूर्ति है वो स्थापित है, और बिल्कुल वैसे ही वो प्लेस बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। तो इस रूम के अंदर आप जा सकते हैं। सो ये जो है, ये आश्रम का फर्स्ट रूम है, और यहाँ पे एज इट इज जहाँ पे वो जो रेस्ट कर रहे थे, so that has been maintained. ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी। आपको पूरी तरह अलाउड है कि आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं दोनों ही रूम में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड मेडिटेशन हॉल। सो ये यहाँ पे हॉल का व्यू है, दिस इज द एंट्रेंस। और देखिए यहाँ पे हर जगह माँ की फ़ोटो, उनकी लाइफ, हाउ शी ट्रैवल्ड, अबाउट ऑल दैट देयर इज डिस्क्रिप्शन। वो जो सामने मैट लगे हैं वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। तो अभी मैं और यामिनी उन्हीं मैट्स पे हम लास्ट 1 आवर से अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, एंड देयर वॉज ज़ीरो डिस्टर्बेंस। ना कोई आया, ना किसी ने हमें इंटरफेयर किया, ना ही तो बाहर के नॉइज़ इस हॉल के अंदर आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू मेडिटेट, ईजीली एक्सेसिबल, और इतना शांत है ये। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये प्लेस मेडिटेशन के लिए बना है। सो साइलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्लेस। तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो प्लीज़ आप यहाँ आएँ तो आप कोशिश करिए कि आप अकेले ही आएँ, किसी के साथ आएँ तो बहुत इस हॉल में एंटर करने के बाद शांति से बैठ जाएँ। ये नहीं कि आपको कुछ बहुत मेडिटेशन करना आना चाहिए, बस आप शांति से बैठ जाइए थोड़ी देर, और जस्ट एनीथिंग यू वांट टू पॉन्डर ऑन यू कैन डू दैट। और बातें करने के लिए तो बाकी बहुत सारे स्पेसेस हैं, सो यू कैन गो आउटसाइड एंड डू दैट। अगर हम खुद ही वो चीज़ें करने लगेंगे तो हर जगह ऐसे ही फ्रीली एक्सेसिबल रहेगी और लोग उसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। बट अगर हम जगह को नहीं समझेंगे और बिना समझे ऐसी जगहों पर जाएंगे, और वो जो सही तरह से उनका उपयोग करना है वो नहीं करेंगे, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, लोग उन्हें लॉक करने लगेंगे। सो प्लीज़ ध्यान रखें। एंड सो अभी हम देखते हैं फोटोज़ जिनमें माँ की लाइफ की स्टोरी है। शी वॉज फ्रॉम बंगाल। अगर आप माँ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं इस जगह पे आने से पहले, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, दैट इज़ द बुक। सो प्लीज़ रीड दैट बुक, एंड आपको माँ के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, उसके बाद आपको यहाँ आना ज़्यादा मतलब इट्स मोर मीनिंगफुल। सो ये माँ है, और माँ जन्म से ही सिद्धि थी। सो आप आ सकते हैं इस मेडिटेशन हॉल में, और यहाँ पे यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग। सो इतना यहाँ पे शांत और अच्छा रहता है। आई वांट कि लोगों को पता चले कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है, और हाउ मच रिच वर्क हैज़ बीन डन हियर, और यहाँ पे माँ रहती थी। दिस इज द प्लेस दिस शोज, आई वांट पीपल टू नो दिस एंड एक्सपीरियंस दिस।
डंडा डंडा लेके जाने का क्या मतलब है जब पेड़ हिला के गिराने हैं तो? जाओ अम्मू जाके उठाओ मेरे सर पे मारेंगे। कमान खुश।